Hello students, welcome to LearnKaro Live Classes. This is your educator Vishali Kamra. Today we are going to start our fourth topic for life processes, which is transportation. So before starting the class, I would like to give my brief introduction. I have done my BSc in Life Sciences and my MSc in Botany. You can also download our Android application, which is easily available on Google Play Store. You can get our all video lectures, our quiz links, notes PDF and class notification there. आइए चलिए बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में. आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है? हमने हमारे तीन टॉपिक कंप्लीट किए हैं लाइफ प्रोसेसेस में. पहला हमारा था फोटोसिंथेसिस, सेकंड था हमारा डाइजेशन और थर्ड था हमारा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमने देखा था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था थ्रू एल्वियोलर वॉल. तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया तो हमारे पास मेन टारगेट क्या है? उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. तो कैसे वो प्रोसेस होगा वो हम पढ़ेंगे आज. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स जब ऑक्सीजन को कैरी करती हैं तो वो किस तरह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है. A closed system of heart and blood vessels मतलब कि which carry blood. तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बेसिक क्या होगा? उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स होंगी जो क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं. अब हमारे पास पहला हमारा ऑर्गन है ब्लड, हार्ट. तो हार्ट का क्या फंक्शन होता है? हार्ट पंप्स ब्लड. हार्ट क्या करेगा? हमारा ब्लड पंप करेगा. ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? ब्लड वेसल्स अलाउ ब्लड टू सर्कुलेट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली बात है जब ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई होगा तो वो पूरी की पूरी हर बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेके जाएगा. नाउ द फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट. यही चीज मैं आपको जो अभी बता रही थी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, हमने देखा था ऑक्सीजन जो है लंग्स में रेड ब्लड सेल्स में अटैच हो गया हीमोग्लोबिन के थ्रू. डिलीवर हुआ, न्यूट्रिएंट्स भी डिलीवर होंगे. न्यूट्रिएंट्स कहाँ? डाइजेशन में जो हमें मिले हैं. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ किसी भी सेल में तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस से लंग्स में लेकर आएगा और वो हम एक्सहेल करेंगे और बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा? ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे. हम ब्लड की बात करें कि ब्लड हमारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो हमारा मेन टॉपिक है ब्लड. तो ब्लड है क्या? ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? किस किस चीज से कंपोज होता है ब्लड? तो हमारा मेन जो है ये ब्लड है. ब्लड में क्या क्या होता है? फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्लाज्मा. सेकंड हमारा कंपोनेंट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अब प्लाज्मा की बात करते हैं. प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड जैसा होता है. उसमें क्या क्या होता है? हमारा प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और गैसेस होंगे. अब प्रोटीन्स की अगर बात करें तो तीन तरह के मेजर प्रोटीन हमारे मिलते हैं प्लाज्मा में. कौन कौन से प्रोटीन है वो? पहला है एल्ब्यूमिन, सेकेंड है फिब्रिनोजन, थर्ड है ग्लोब्यूलिन्स. तो ये हमारा अगर 10th के बेसिस से देखते हैं तो ये प्रोटीन्स मेनली हमारा फिब्रिनोजन का फंक्शन हमें पढ़ना है. फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तीन तरह की हमारे पास ब्लड सेल्स होती हैं. पहला है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स. अब ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं? ल्यूकोसाइट्स होती है हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स. सेकेंड हमारी प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का काम भी यही है हमारा क्लॉटिंग का काम करती है प्लेटलेट्स भी। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करती है ब्लड क्लॉट करने में। जैसे कभी कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्या होता है, फ्लो नहीं होता रहता है, वो अपने आप क्लॉट होना शुरू होता है। तो वो फिब्रिनोजन की वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। थर्ड हमारी सेल्स कौन सी है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होती है हमारी, आरबीसीज, आरबीसीज। अब ल्यूकोसाइट्स के कुछ पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास है ग्रेन्युलोसाइट्स, सेकंड हमारे पास है अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल्स होती हैं। और अग्रेन्युलोसाइट हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। WBCs का मेन फंक्शन क्या होता है हमारा बॉडी में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी मतलब कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट कौन करेगा, WBC। वो हमारा किसका फंक्शन है, WBCs का। RBC का फंक्शन हम देख चुके थे। RBC क्या करती है, हीमोग्लोबिन कैरी करती है जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अटैच्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। स्टूडेंट्स, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की थी। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, बस मेजर जो ऑर्गन है वो हर्ट होता है, जो ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे हर्ट का एक बहुत सिंपल सा डायग्राम आपको गिवन है। तो जब हम ह्यूमन हर्ट के बारे में, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन हर्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम बेसिक चार चीजें देखते हैं। हमारे पास 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। हर्ट में हर्ट हमारे पास कौन सा होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। पहला हमारे पास क्या होता है, चैम्बर राइट आर्ट्रियम। सेकंड चैम्बर हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होगा, राइट वेंट्रिकल। थर्ड चैम्बर हमारे पास प्रेजेंट होगा लेफ्ट आर्ट्रियम। और फोर्थ हमारे पास प्रेजेंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमें एरो से दिखाया भी गया है कि ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ ट्रेवल करेगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर चला जाएगा। यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में चला जाएगा और आयोटा से बाहर चला जाएगा। तो हमने रेस्पिरेशन, इससे लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन में लंग्स में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था। लंग्स में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था। लंग्स में ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेटेड था, मतलब टिश्यू से जो ब्लड आ रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके आ रहा था। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर में वॉल में के थ्रू ट्रांसफर होकर ट्रांसपोर्ट होके एल्वियोलाई में चली जाएगी और वहां पर ऑक्सीजन हमारा ब्लड में आ जाएगा। किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट था। तो पिगमेंट था, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ब्लड हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारी पल्मोनरी वीन है। यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आयोटा से होता हुआ बाहर जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम, देन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना है ये हमारा अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी ये डीऑक्सीजनेट नहीं हुआ, मतलब अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया है। आयोटा के थ्रू होता हुआ हमारा कहाँ जाएगा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, क्या होगा हमारे पास, गैसेस का एक्सचेंज होगा। आर्टरीज की वॉल बहुत थिक होती है, से 1 सेल थिक होती है, तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज बहुत इजी हो जाता है। फिर यहाँ से हमारा टिश्यूज में जाएगा। टिश्यू क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजन को, और जब टिश्यू ने यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजन को तो ब्लड क्या हो गया हमारा, डीऑक्सीजनेट। डीऑक्सीजनेट हो गया। यहाँ पे हमारी आधी साइकिल कंप्लीट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा फंक्शन खत्म होता है। यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा वीन्स और वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में। ये हमारा राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम में आया, किसके थ्रू आया, वेना कावा के थ्रू आया। वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। अभी जनरेटेड ही है ब्लड, फिर वहां से जाता है हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी आर्टरी से फाइनली लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आयोटा, देन आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, टिश्यू, वापस से वही साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है और चलता जाता है। ब्लड फ्लोज थ्रू हर्ट, ये हमने पढ़ा अभी कि ब्लड कैसे हर्ट में ट्रेवल कर रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, मतलब दो सर्किट हमारे पास बेसिकली गिवन है। ये डायग्राम हम डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं डबल सर्कुलेशन। इस पे 5 मार्क्स में बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में कैसे ब्लड हर्ट से ट्रेवल कर रहा है, हर्ट से पंप होकर के पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। तो हमने यहाँ पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर थे, चारों चैम्बर में हमारा ब्लड अलग अलग वेसल से आ रहा था, वहां से लंग्स और बॉडी पार्ट्स में जा रहा था ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारे टिश्यूज हैं, बेसिक बॉडी है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टिश्यूज बोल सकते हैं। टिश्यूज से डीऑक्सीजनेट हुआ ब्लड, टिश्यू से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेट हुआ ब्लड। हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो थ्रू हर्ट, मतलब कि हर्ट से कैसे ब्लड फ्लो करता है। हमने लास्ट स्लाइड में भी इस बारे में बात की, तो इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने वाले हैं अभी हम। तो इसमें आपको एक बहुत सिंपल सा डायग्राम गिवन है, हर्ट, लंग्स और टिश्यूज, मतलब कि हर्ट से टिश्यू में कैसे जाएगा और लंग से हर्ट में किस तरह से आएगा ब्लड। तो जब दो बार, हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी अभी कि जब दो बार ब्लड का सर्कुलेशन होगा हर्ट के थ्रू, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पुट अप होता है बोर्ड्स में, तो ये कॉन्सेप्ट जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो हमने 4 चैम्बर्ड हर्ट के बारे में पढ़ा था, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ रहा है हमारा पल्मोनरी वीन के थ्रू। पल्मोनरी वीन से कहाँ से आ रहा है, हमारा लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, लंग्स में हमारा ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेट हुआ। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू हमारा पहले कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारा बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज में यह ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर क्या हुआ, टिश्यूज जो है उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, ब्लड हमारा नेक्स्ट में क्या हो गया, डीऑक्सीजनेट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेट हुआ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू हमारा कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम में। किसके थ्रू आया, हमारा वेना कावा के थ्रू। राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम के बाद हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारा लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर वो ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद वो वापस से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारे पास डबल सर्कुलेशन हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो तरह के सर्कुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। एक वो जब ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक वो जब ब्लड डीऑक्सीजनेट होगा। तो दो तरह का मेजर हमारे पास सर्कुलेशन इन्वॉल्व, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। हमने यहाँ पे देखा हमारा हार्ट एक सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड है, हमारे चैम्बर्स क्यों सेपरेटेड हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंटरमिक्सिंग ना हो। इंटरमिक्सिंग नहीं होगा तो हमारे पास एनर्जी एफिशिएंट रहेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, जो हमारे पास सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे बाकी ऑर्गेनिज्म की जिनमें 2 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उनके पास उनको एनर्जी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होगा, ब्लड का इंटरमिक्सिंग होगा। तो ये हमारा एडवांस्ड हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जहाँ पे ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ज़्यादा अमाउंट में। कि हमारा डबल सर्कुलेशन क्लियर है कि डबल सर्कुलेशन में किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के थ्रू, कैसे ब्लड लंग से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर वो टिश्यूज में जाएगा, टिश्यू से डीऑक्सीजनेट होकर वेना कावा के थ्रू फिर से राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के बारे में। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था कि आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पर इनके बीच में हमें डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बोर्ड में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज और बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास सबसे पहले आर्टरीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आर्टरी क्या कर रही है, फ्रॉम हर्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, हर्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो वीन्स उसको बिल्कुल उल्टा करेगा, वो क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहाँ लेके आएगा, ब्लड को हर्ट तक लेकर आएगा। कैपिलरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज और वीन को कनेक्ट करना और मेजर नेटवर्क बनाना उन दोनों के बीच में, जो कि बहुत थिन वॉल्ड नेटवर्क होता है और जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ मेजर फंक्शन यही होता है। अब आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, आर्टरीज मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और वीन्स, हम उसको वीन्स को देखते हैं अगर, तो वीन्स हैं, आर्टरीज का फंक्शन ऑपोजिट है, वीन्स का फंक्शन ऑपोजिट है। हमने क्या पढ़ा, आर्टरीज जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर हम वीन्स की बात कर रहे हैं, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा पल्मोनरी वीन। अगर आप पीछे करके देखेंगे वीडियो को, पीछे वाली स्लाइड देखेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बाकी जितनी भी वीन्स हमारे पे प्रेजेंट है वो सारे की सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैपिलरीज दोनों ब्लड कैरी कर सकती हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज में प्रेशर जो होता है ब्लड का वो काफी हाई होता है, इसीलिए उनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। इनके पास वॉल्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा होता है तो ब्लड डायरेक्ट फ्लो हो जाता है, वॉल्स की जरूरत नहीं होती। वीन्स में क्या है, प्रेशर कम है तो इसलिए वॉल जो होंगी थिन होंगी, क्योंकि यहाँ पे बर्स्ट होने का, उनके वॉल्स का बर्स्ट होने का कोई रिस्क नहीं होता और इनके पास वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि बैकफ्लो ना हो ब्लड का। कैपिलरीज वॉल्स जो होती हैं सिर्फ 1 सेल थिक होती है। ये हमने एल्वियोलर वॉल में भी पढ़ा था कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड था, तो वहाँ पे सिर्फ 1 सेल थिक हमारे पास मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ पे भी कैपिलरीज में भी सेम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज हो रहा है तो मेम्ब्रेन को थिन होना बहुत जरूरी है। और कितनी पतली होगी मेम्ब्रेन, सिर्फ 1 सेल थिक होगी, ठीक है। वॉल्व्स यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। आर्टरीज में हमने भी पढ़ा प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो तेज होगा। वीन्स में प्रेशर कम होता है तो ब्लड फ्लो क्या होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट हमारे पास, हम अभी बात कर रहे थे 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये हमारे पास मेमेलियन हार्ट गिवन है, 4 चैम्बर्ड मतलब कि 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 2 चैम्बर्ड हर्ट और 3 चैम्बर्ड हर्ट के बारे में। अब 2 चैम्बर्ड हर्ट क्या होता है, इसमें एक आर्ट्रियम होगा हमारे पास और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है, और गिल कैपिलरी से ऑक्सीजनेशन होगा और यहाँ पे हमारा ब्लड के चैम्बर्ड हर्ट है। किसमें प्रेजेंट होता है? फिशेज में प्रेजेंट होता है। 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब इसका ध्यान रखना। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर्ड हर्ट में क्या होगा, हमारे पास आर्ट्रिया है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पर वेंट्रिकल में इंटरमिक्सिंग होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीमिक्स करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एनर्जी इतनी एफिशिएंटली नहीं मिल पाती है ऑर्गेनिजम्स को जितना मैमेलियन हर्ट में मिल पाती है। तो ये हमारा 3 चैम्बर्ड हर्ट है। किसमें प्रेजेंट है? हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में प्रेजेंट है ये, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। हमने ब्लड के बारे में बात किया, हर्ट के बारे में बात किया, कैपिलरीज के बारे में बात किया, टिश्यू के बारे में बात किया, कैसे वीनस सिस्टम आर्टेरियल सिस्टम होता है। आर्टेरियल सिस्टम मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और वीनस सिस्टम मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। हर्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, कहाँ पे? कैपिलरीज में आ रहा है, कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेट होगा और डीऑक्सीजनेट होकर के वापस से कहाँ जाएगा, हर्ट में जाएगा। पर यहाँ पर जब हम कैपिलरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा मतलब टिश्यू फ्लूइड हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। अब वही हमारा क्या कहलाता है, लिम्फ। लिम्फ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड के थ्रू ट्रैवल करता है। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का गिवन है। क्या लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं? लिम्फेटिक वेसल वो होते हैं जो लिम्फ को कैरी करेंगे। क्या करते हैं वो, कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से टिश्यू फ्लूइड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब कैरी फ्लूइड टू ग्रेट वीन्स इन द नेक। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कहाँ तक लेकर जाएगा, नेक तक लेके जाएगा जितना भी हमारा फ्लूइड है। और फ्लूइड फ्लोज ओनली टुवर्ड्स द हर्ट। ये हमारे पास गिवन भी है कि फ्लूइड जो है लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ वापस हर्ट में जाएगा, ठीक है। फ्लूइड वापस से हर्ट में जाएगा और ये हमारा क्या करता है, वीन्स को नेक तक लेकर जाएगा। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हम फंक्शन बोल सकते हैं, लिम्फ का फंक्शन बोल सकते हैं। लिम्फ में कुछ हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी उसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो हम आप लिम्फ का एक बार देख लेना और पूरा हर्ट का डबल सर्कुलेशन, मेनली हमारा जो कॉन्सेप्ट है डबल सर्कुलेशन का, वो एक बार वापस से आप देख लेना। हो सकता है आपको दोबारा से हेल्प चाहिए उसमें। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद। थैंक यू सो मच।